आज नैना बहुत खुश थी। उसकी शादी जो पक्की हुई थी और अपने कमरे में अकेले बैठ के कपिल के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक कमरे की लाइट जगबुझ करने लगी। नैना घबराते हुए खड़ी हो गई थी, तो सामने उसने जो देखा उस बात पर वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। सामने उसने देखा कि उसकी दोस्त दिशा, जो मर चुकी है, वो उसके सामने खड़ी है। क्या करेगी तू तो शादी करके? मेरे होते हुए तू दुल्हन कभी नहीं बन सकती, और अगर तूने ऐसा करने की कोशिश करी तो मैं तेरे घर को जला दूंगी, कोई नहीं बचेगा। ये सब देख नैना को चक्कर आने लगे, और चक्कर आते ही साथ रखे आईने से जाकर वो टकरा गई, और आईना चकनाचूर हो गया था और वो उसी कांच के ऊपर गिर गई थी। आवाज इतनी तेज थी कि घर के सारे लोग भागते हुए कमरे में आ गए और फटाफट से नैना को हॉस्पिटल ले गए। रात के 2 बज रहे थे। सिर्फ नैना के पापा ही हॉस्पिटल में रात को नैना के साथ रुके थे और खिड़की के पास खड़े हुए नैना के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। करीबन 2:30 बजे के करीब नैना की आंख खुली तो सामने स्टूल पर उसे दिशा बैठी दिखाई दी। नैना इतना घबरा रही थी कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, बस पसीने छूट रहे थे उसके। तभी दिशा उसकी तरफ आकर उसके सराहने बैठ गई। फिर से आगाह करने आई हूँ, ये शादी नहीं होनी चाहिए। नैना बस दिशा को देख रही थी और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए वो उल्टी चलने लगी और उसके पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। नैना समझ नहीं पा रही थी कि अब दिशा क्या करेगी। वो अपने पापा को आवाज ही देने वाली थी कि तभी दिशा ने जोर से हंसते हुए उसके पापा को हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से नीचे धक्का मार दिया। अभी हॉस्पिटल में हड़दम मच गई और उसकी पापा की वही मौत हो गई। नैना और उसकी माँ को गहरा सदमा लग गया था इस बात का, इसी वजह से उन्होंने नैना की शादी टाल दी थी। ये सब देखकर दिशा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी नजर हमेशा उसी तरफ रहती थी। नैना की एक और सहेली थी बेला। बेला की शादी उसके घर वालों ने कहीं और पक्की कर दी थी, लेकिन बेला को किसी और से ही प्यार था। दिशा की आत्मा को जब ये मालूम पड़ा कि बेला की शादी होने वाली है, तो उसने बेला को डराना शुरू कर दिया। बेला अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। वो इतनी दूर चली गई थी कि वहां तक दिशा की आत्मा का पहुंचना संभव नहीं था। बेला के घर वालों ने जब पंडित से बात की तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि कोई आत्मा का साया है जिसने बेला की शादी नहीं होने दी, और अब वो उसके बॉयफ्रेंड से भी उसकी शादी नहीं होने देगी। आप बेला को यहाँ मत आने देना, वहीं दूर आप उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा दीजिए और कुछ समय तक उन्हें यहाँ ना आने दें। बेला के घर वालों ने पंडित जी के बताए अनुसार बेला की शादी करवा दी, लेकिन जब दिशा की आत्मा को इस बारे में मालूम पड़ा तो ये सब सह नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसके वश में कुछ नहीं था। बेला की शादी की सफलता देखकर नैना की मां ने भी नैना की शादी चुपचाप शहर से बाहर जाकर कपिल के साथ करवा दी, और वहीं से दोनों परिवारों ने नैना और कपिल को बाहर हनीमून के लिए भेज दिया और खुद वापस अपने घर आ गए। अब दिशा की आत्मा बौखला रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसकी रूह नैना और कपिल को ढूंढने में लगी थी और बेचैन थी कि आखिर कहां भेज दिया उन्होंने नैना को। अब दिशा की आत्मा को बस नैना और कपिल का पता जानना था, और इसीलिए वो कपिल के घर के अंदर प्रवेश कर गई। हर वक्त उसके माँ बाप की बातें सुनती रहती थी वो। आखिर वो क्या बातें कर रहे हैं और उन्होंने कहाँ भेज दिया है नैना को, इस सारी बातों का राज वो जानना चाहती थी। लेकिन पंडित के बताए अनुसार
कपिल के माँ बाप ये बात जानते थे कि दिशा उन्हें ढूंढते हुए इस घर में जरूर आएगी और नैना और कपिल को ढूंढ के रहेगी। इसी वजह से उन्होंने कपिल और नैना का नाम लेना इस घर में बंद कर दिया था। दिशा की आत्मा कपिल के माता पिता को घर के अंदर कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस घर में पंडित जी के दिए हुए उगले जलते थे। एक रात बिजली जाने के कारण कपिल के माँ बाप घर के बाहर ठहरने लगे। ये देख दिशा की आत्मा बहुत खुश हो गई और कान लगाए पेड़ के पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन वो ऐसे कोई बात नहीं कर रहे थे। पर बहुत देर तक जब दिशा को नैना की कोई खबर नहीं मिली तो वो बहुत गुस्से में आ गई और उसने कपिल के माँ के अंदर प्रवेश कर लिया और कपिल के पापा को धक्का मारकर गिरा दिया और उनके गिरवान को पकड़ के पूछने लगी, बोल कहाँ है नैना और कपिल? अरे तुमने ही तो कहा था कि दोनों को शहर से दूर भेज देते हैं, तभी तो हमने उन्हें ऊटी भेजा है। उस आत्मा की डर की वजह से कल तक दोनों घर आ जाएंगे। पर तुम्हें हुआ क्या है? इतना सुनकर दिशा की आत्मा उनके जिस्म से निकल गई थी और भागकर शहर के उस हाईवे पर जाकर पीपल के पेड़ पर बैठ गई, जहां से नैना और कपिल वापस आने वाले थे और उनका इंतजार करने लगी। रात के 3 बज रहे थे तभी नैना और कपिल की कार वहां पहुंचने वाली थी। तभी कपिल के माँ बाप फटाफट पंडित जी को लेकर वहां तक पहुंच गए, जिसकी वजह से वो आत्मा उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन उनकी कार के पीछे उड़ते हुए कॉलोनी तक पहुंच गई थी। पंडित जी दोनों को गृह प्रवेश करवा के धागा देकर वहां से चले जाते हैं। कपिल और नैना दोनों रात को अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक सामने रखे टीवी में अपने आप आग लग गई। दोनों डर के मारे उठ गए, चारों तरफ अंधेरा और बीच में आग। दोनों भागकर बाहर आ गए। इसी बीच नैना का धागा अंदर कहीं गिर गया था, तभी दिशा की आत्मा वहां आ गई और उसने नैना पर अपना नाखूनों से हमला करना शुरू कर दिया। नैना फिर से बेहोश होकर गिर गई थी। तभी कपिल के माँ बाप वहां आ गए और गंगा जल छिड़कने लगे। जख्म इतना गहरा नहीं था, नैना बच गई थी और उसे वो धागा भी मिल गया। अगले ही दिन उन्होंने दोबारा नैना और कपिल को वहां से दूसरे शहर भेज दिया था। 19 साल की दिशा की मौत उसकी शादी पक्की होने के कारण हुई थी। बिना शादी के ही मरने के कारण वो नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी सहेली की शादी हो। लेकिन अब नैना और बेला दोनों ही शहर से जा चुकी थी और दिशा उन तक पहुंच नहीं सकती थी। इसीलिए अब उसकी आत्मा को लोग रोज रात कपिल के घर के सामने वाले पेड़ के पास रोते हुए सुनते थे और रात के समय वहां से लोगों ने निकलना भी बंद कर दिया था। तो ये कहानी दिशा की थी। ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए स्केरी रेड ब्लड के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you.